आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम चलिए पहले जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग आपने यहां सेलेक्ट किया और यहां से आपने नॉर्मल फॉर्मेट कर दिया, तो क्या होता है कि सेल पे कलर हो गया, लेकिन सेल के अंदर क्या टाइप है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इसने जस्ट कलर कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमारा एक कलर हो, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कलर करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कई सारे हाइलाइट्स हैं, इसमें हाइलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्कीम्स, आइकन सेट्स, ऐसे कई सारे रूल्स हैं, राइट। अब चलिए इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करें। इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में आते हैं सबसे पहले। तो एक हमारा, अब देखिए जब भी आप फॉर्मेट करना होगा तो आप पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी एरिया उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसी पे आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। फिर इसमें मैं आता हूं यहाँ पे ग्रेटर देन, एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा उसको कर देगा। तो यहाँ पे नंबर अपने हिसाब से दे दे, बाय डिफॉल्ट जो है नंबर आ जाता है एवरेज करके। अब यहां पे मैं डालता हूं नंबर, मान लीजिए मुझे 50,000 से ऊपर को हाईलाइट करना, तो हाईलाइट तो हुआ डिफॉल्ट कलर से। इसके बगल में हमारे पास एक कलर है येलो फिल या फिर ग्रीन फिल या फिर आपके पास जो भी है उसे ले लीजिए, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाए और कस्टम फॉर्मेट में आप जो है अपने हिसाब से जो कलर रखना है वो कलर यहाँ पे चूज करें एंड ओके करें, आपका वही कलर फिल हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हाईलाइट में बात करते हैं कि मुझे एक दो कलर के बीच का चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन की जगह पे बिटवीन सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे, मैंने बोला कि मुझे 60,000 से और मुझे इसको 80,000 तक का हाईलाइट करना है और अपने हिसाब का कलर चाहिए, तो आप कलर कस्टम फॉर्मेट में जाके अपना कलर, अपना बॉर्डर, अपना फॉन्ट, ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है, इक्वल टू, एक पर्टिकुलर नंबर से आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर यहां पे इक्वल टू एग्जैक्ट सेल को हाईलाइट कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट कंटेंट कि मैंने यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि सिटी भी है, या फिर ये समझ लीजिए मंथ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि किसी पे जुलाई पूरा लिखा हुआ है, किसी पे JUL शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैंने इक्वल टू में गया और इक्वल टू में यहां बोला इक्वल टू JUL, तो जिसमें देखिए जुलाई जो फुल में है वो हाईलाइट नहीं हुआ। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ही नहीं, फिल्टर में भी होती है इसकी प्रॉब्लम। तो उस केस में यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन पे आने के बाद यहाँ पे हम देंगे JUL, तो जुलाई हो या जेल हो वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। एक चीज ये रहा, तो ये हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन होता है जो कि मिलता जुलता को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं डेट ऑफरिंग की। हालांकि डेट वगैरह को आप जो है यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में डाल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आज की डेट से छोटा डेट चाहिए, तो मैं लेस देन और आज की डेट डाल दूंगा कि 2019 हाईलाइट हो गया, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ, ये हमेशा फिक्स हुआ, डायनेमिक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि हमेशा मुझे एक करेंट सिस्टम डेट हाईलाइट हो, या करेंट सिस्टम डेट से पहले की डेट या बाद की, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि रिलेट टू आवर डेट कैलेंडर, सिस्टम डेट या सिस्टम कैलेंडर। तो उस केस में मैं यहाँ पे एज ए डेट ऑकरिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टूडे, टूमोरो, इन द लास्ट दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग होगा और चेंज होगा। जैसे आज टुडे कर दिया तो आज हमारा 26 अगस्त हाईलाइट होगा, लेकिन जैसे ही कल खोलूंगा तो सिस्टम डेट चेंज होगा 27 अगस्त, और यहाँ पे आपका 27 अगस्त हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे।
अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हम आते हैं उस पर चले। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। यहाँ पे जो डेट है ये जो है ये ऑटोमेटिक डेट आएगी या ये रीअकर्स खुद डेट, फॉर एग्जांपल कल 27th यहाँ जो डेट है वो तो हमारा डेटा का डेट है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम डेट जो भी हो हाँ, वो डेट हाईलाइट। ठीक 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 सही। हेलो सर। हाँ जी सर, आप जैसे पहले हमने रैंड बिटवीन बताए थे कि रैंड बिटवीन से नंबर्स एग्जांपल 10th से 100 के बीच में आता है, ऐसा कुछ डेट में भी कुछ होता है क्या सर फॉर्मूला की मुझे एग्जांपल 5th अगस्त से लेके 25th अगस्त तक का डेटा लेना है एक्सेल में, मतलब डेट रैंडम डेट लेना है, ऐसा कुछ रहता है सर एक्सेल में? हाँ सर हो सकता है। ओके बाद में कॉल करोगे वो? बताता हूँ अभी बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो इसमें जैसे कि कहने मतलब ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो गया, इसी तरह से और भी चीजें यहाँ पर है जैसे कि डेट ऑफरिंग, इसमें स्टडे टुडे टुमारो वगैरह वगैरह लेंगे तो सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। उसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो इसके में आपको जो है डुप्लीकेट है, जैसे कि एक कॉलम में अगर मान लीजिए कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जो मोर देन वन टाइम हो वो हाईलाइट हो जाए, या फिर मान लीजिए कि कल के डेट में आप कुछ वैल्यू इसमें लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि मैं चाहता हूं जो डुप्लीकेट वैल्यू वो हाईलाइट हो जाए, तो डुप्लीकेट वैल्यू या यूनिक करना चाहते हैं, यूनिक भी है तो यूनिक तो नहीं करते ज्यादा डुप्लीकेट करते हैं, अब इसमें जो भी हम नंबर लिखेंगे वो यहाँ हाईलाइट हो जाए। अगर आप डबल टाइम लिखा तो, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों हाईलाइट हो जाता है। अब इसमें एक नया चीज आता है कि मैं चाहता हूं सिर्फ एक को हाईलाइट करना, दोनों को हाईलाइट करना नहीं चाहता, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, थोड़ा सा बेसिक कवर कर लूं तो मैं आपको बताता हूं। इसमें हमने पहले में अभी कवर कर दिया ग्रेटर दैन लेस दैन बिटवीन इक्वल टू टेक्टर कैंडिडेट डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। अब बात करते हैं टॉप बॉटम। अब जैसे मान लो डेटा है मुझे पता करना है कि टॉप 5 बोनस इसको दिया गया, जस्ट आप यहाँ पे आए और टॉप 10 पे जाए और 10 को 5 कर दे और फिर इसको हाईलाइट कर दे, जो टॉप 5 होगा वो आपका हाईलाइट ठीक है, बाद में हम इसको फिल्टर करके इसको इकट्ठा कर लें। अब इसमें एक चीज और आता है कि टॉप बॉटम, टॉप करना तो बॉटम भी यहां से कर सकते हैं, तो यहाँ टॉप 10% बॉटम 10% क्या है ये हम आपको जब परसेंटाइल का फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो उस समय हम समझाएंगे। अब बात करते हैं अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब सिलेक्टर सेल का एक एवरेज है 9765 जो कि वैल्यू एंड चेंज होने पर अपने आप को चेंज कर लेता है, तो इसका यूज करना है। अब अबव एवरेज का यूज क्यों करते हैं, बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि आपको सेल्स दिया गया, अब मुझे इस पे देखना है कि भाई सबसे अच्छा सैलरी क्या है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हाईएस्ट सैलरी दिया गया हो सबसे अच्छा सैलरी है, हम बोलते हैं यार सैलरी अच्छे सैलरी पाने वाले कितने लोग, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैक्सिमम तो एक ही लोग होगा ना, तो अच्छे सैलरी कैसे निकाला जा सकता, कोई बेंचमार्क हुआ कि हाँ 80,000 से वाले ऊपर वाले लोग अच्छे सैलरी के अंदर में आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं अबव एवरेज, एवरेज से अच्छा है तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं, जिसको सिलेक्ट करने भी आपको यहाँ दिख जाता है, इस एवरेज से जो ऊपर है उसको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए और टॉप बॉटम में यहाँ पे अबव एवरेज ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करेगा 63,400
और उसकी एवरेज यहाँ आपको निकाल के दे देगा कि हाँ इससे ऊपर वाले लोग कितने हैं एंड इससे नीचे वाले, तो इसके लिए आप बिलो एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिलो एवरेज। अब डेटा मेनू इसका डेटा बार हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कल के डेट में आप डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तो वहां पे मुझे दिखाना है कि भाई इसकी इसमें इसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है तो इसके लिए मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे पोजीशन दिखाना है तो मुझे इसके लिए जो है यहाँ पे चार्ट क्या बोलते हैं ये चार्ट बनाना पड़ेगा और फिर इसको इसके अकॉर्डिंग मुझे फिट करना पड़ता था जब इससे पहले 2007 से पहले हम यूज करते थे डैशबोर्ड। लेकिन हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार का ऑप्शन है, लगा दीजिए उसके हिसाब से बार बना के आपको दे देंगे पोजीशन के हिसाब से। अगर मैं इसको अलग तरीके से समझाऊं यहाँ देखिए ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पे डेटा बार दिया। तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है वैसे पोजीशन बढ़ रहा है, मतलब कि एक बड़ा डेटा पे चार्ट बनाना मुश्किल होता है ना, तो हम इस तरह से आइकन डेटा बार यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाता है जितना बड़ा बार उतनी बड़ी पोजीशन इन द कॉलम। सेम हमारा कलर स्केल है क्योंकि कलर स्केल बताता है और आइकन्स हमारा आइकन्स को शो करता है। आइकन्स में एक और भी है जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है, तो क्वार्टर वन की सैलरी मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू की 60 है, तो किसकी सेल बड़ा है इसको इसकी कंपेयरिंग के लिए। हालांकि आप लोग देखते होंगे शेयर मार्केट वगैरह में, तो वही चीज हम यहां भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे ऊपर अपर, इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं। तो शनवर जी, श्री शर्मा जी एंड जाफर जफर जी, आपने देखा कि मैंने हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट को समझाया। कोई डाउट इसमें आपको? सर इसमें जहां पे आपने ये क्वार्टर वन और क्वार्टर टू लिखा है ठीक है, अगर मैं इसका वेरियंस आता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि हम कॉलम जे के अंदर इसका वेरियंस लेके आते हैं 10 है ठीक है, ना 10 है, तो ऐसे ही अगर हम उसको नीचे ऑर्डर में उसको वेरियंस को इंक्रीज करते हैं और वो जो आपने वहां पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ये जो एरो साइन है, तो ये सिंगल का एरो साइन बताएगा कि क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें वो सिंपल सी बात बताइए कि सिलेक्टेड रो के अंदर में वो कंपेयरिंग करता है कि 50 इज ग्रेटर देन 60 देन डाउन एरो, अगर 60 ग्रेटर देन 50 तो अप एरो। जो सिलेक्टेड होता है उसकी कंपेयरिंग अकॉर्डिंग शो करता है, किसी और सेल से नहीं लेता है। और इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें वेरिएंस ना निकालना पड़े, अदरवाइज यहाँ पे मुझे क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, तो मुझे अगर ये आइकन यूज ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इसकी ग्रोथ निकालना पड़ता। ग्रोथ जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, मतलब क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन एंड डिवाइड बाय क्वार्टर वन, देन इसका मुझे डिफरेंस आता उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, और इसमें सुन लीजिए, अब इसमें मैं कलर स्केल में जाता आइकन सेट में और फिर इसमें मैं एल यूज करता, अपर ही आ रहा है ना। अब इसमें मैं फॉर्म इसकी इसको एडिट करता, क्यों? क्योंकि हमें जीरो से नीचे वाले को देना था, तो इस पर हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाते हैं और यह इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज तो इसमें हम वैल्यू ले लेंगे ठीक है, नंबर, और हम बोलेंगे कि यहां जीरो से बड़ा हुआ तो ए शो करना है और जीरो से छोटा हुआ तो ए शो करना है। सिंपल से जीरो कर दीजिए दोनों में। अब इसको अप्लाई करता हूं एनओ। अब जैसे मैं यहां पे 52 करता हूं ठीक है, 49 किया, समझ गए, ये भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज की कितना परसेंट नीचे कितना परसेंट ऊपर,
कंपेयरिंग टू क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर टू क्वार्टर वन से कितना ऊपर कितना नीचे है ये बता। ये चीज हम सिर्फ वैल्यू में देख सकते हैं रादर देन परसेंटेज के, अगर यहाँ पे क्वार्टर वन कुछ भी है यहाँ पे उससे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी दे सकते हैं ठीक है। तो आपका डिफरेंस आ गया कि भाई 50 से 50 डिफरेंस होगा, 50 से नीचे होगा तो लोअर दिखे, 50 से ऊपर होगा तो अपर दिखे, जहां पे जीरो किया वहां पे 50 कर दीजिए ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें दस मुझे ये शो करना है कि कौन सा क्वार्टर हायर है, ये जो है पीरियड की इस्तेमाल होता है जैसे मंथ बाय, डेट बाय, वीक बाय, प्रोडक्ट बाय, ये क्या होगा प्रोडक्ट। मान लीजिए कि हमारा दिल्ली है, हमारा जो दिल्ली है और यहाँ पे मान लीजिए मुंबई है, इसकी कंपेयरिंग में तो कम और ज्यादा होगा ना, ग्रोथ तो नहीं होगा ना, परसेंटेज में तो नहीं ना होगा। हमें देखना है कि दिल्ली ज्यादा किया है कि मुंबई ज्यादा किया है, तो उस केस में हमें इस मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ओके अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो अभी आपने जो यूज किया ना कि बाहर बाहर जो दिख रहा था, ये हमारा वो फीचर्स है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। इनके अलावा फीचर्स है जो कि आप यहां मोर रूल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ना, इसमें ऐसे फीचर्स आपको मोर रूल्स में दिखेंगे। मोर रूल्स में आप यहां देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, लेस देन दिख रहा है ना, इस तरह से सेल वैल्यू को यहाँ पे करे तो टेक्स्ट, टेक्स्ट में कंटेनिंग था, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, बिगेन विद एंड बी, जैसे मान लीजिए किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए रवि से, तो रवि प्रताप सिंह है, रवि शर्मा है, रवि वर्मा है, रवि कनौजिया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने बोल दिया कि बिगेन विद रवि होना चाहिए, हाईलाइट कर दे, तो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ दी गई है, इसका इस्तेमाल एरर को हाईलाइट करना है, ब्लैंक को हाईलाइट करना है, बिना एरर को हाईलाइट करना है, नो एरर को, ये चीज आप यहाँ ले सकते हैं। ये सिंपल चीजें हैं, आपको बिल्कुल ट्राई करेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहां बात आती है फॉर्मूला राइट, और जैसे कि वी लुकअप का ही फॉर्मूला मैंने लगा रखा है, कहा गया है वी लुकअप राइट। तो इसमें क्या है कि मेरे पास आईडी है, नेम है, बोनस है, डिपार्टमेंट है, एंड सोर्स है, और इसका यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे नेम बोनस की जगह पे मैंने दे दिया हायर नेम, तो डेट आ गया, बट डेट क्या आया नंबर फॉर्मेट में आया ठीक है सर। तो मैंने क्या किया इसको, इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश करके, हेलो तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट हैश करके डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया, मुझे डेट दिख गया 1 जून 2015, या फिर मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं अपना फॉर्मेट। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मैं हायर डेट था, अब मान लीजिए कि अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने हायर डेट की जगह भी यहां पे सैलरी दे दिया, राइट अब सैलरी आया तो अप्रैल 16 यहां पर दिख रहा है, अब मुझे इसको जनरल फॉर्मेट करना पड़ेगा तब जाके मेरा डेट दिखेगा, नंबर सैलरी दिखेगा। तो जफर जी, सौरभ जी एंड सी शर्मा जी, प्रॉब्लम समझ में आया सी शर्मा जी? समझ में आया आपको? हाँ जी सर,
तो ये प्रॉब्लम होती रहती है जब हमें डेटा, हम लोग क्या करते हैं कि डेटा बेस से कुछ डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम एंड टू, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूं हेडिंग जो डेट हो, तो यहां पे आपका डेट फॉर्मेट होना चाहिए, अदरवाइज नंबर फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसमें भी दो प्रॉब्लम है। जैसे हायर डेट है तो मैंने यहां पे लिया, और यहां पे मैं चले गए न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है तो मुझे यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरा कंडीशन कहीं और है और मेरा फॉर्मेटिंग कहीं और है। फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं सी 16 में और कंडीशन लगाना चाहता हूं सी 3 में, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इक्वल कर दिया कि हायर डेट। अगर हायर डेट हो फॉर्मेट में गया और हमने यहाँ पे नंबर पे गए, डेट पे गए, और हमने यहाँ पे अपनी डेट की जो फॉर्मेट है, डेट की फॉर्मेट या कोई फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो फॉर्मेट कर सकते हैं, ओके। और अब जैसे मैं यहाँ पे सर आपके अलावा कोई दूसरा एट्रीब्यूट कर सकते हैं अदर यूजर्स क्या? सर आपके अलावा दूसरे यूजर्स को बोलो म्यूट करने के लिए, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर। ठीक है, हेलो, ओके कर दिया सर। चलिए अब यहां पे हो गया। अब यहां पे मैं अगर सैलरी करता हूं, देखिए सैलरी किया तो नंबर फॉर्मेट आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व। बट इसमें एक अनदर प्रॉब्लम आ गया, कि मैं सिर्फ यहां डेट दिया तो अब इसके लिए आपको सोचिए, आपको दो मिनट का टाइम देता हूं सोचने के लिए। इसमें सर वो बंदा जो फुल नेम है वो नहीं होगा लिस्ट में शायद, तभी नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, उन्होंने शायद आपको म्यूट किया हुआ है ना? क्या बोल रहे हैं बताइए सर। सर जो आप एनए हैश एन इसलिए आया है कि अपन जो वीलुकअप लगा रहे हैं राइट, ये आईडी पे लगा रहे हैं करेक्ट, तो डेटा आप डेटा टैब में एक बार जाइए सर। एनए की बात नहीं कर रहा मैं, एनए तो वीलुकअप पे बात है। चलिए मैं यहाँ पे मैच को छोड़ के यहाँ पे नंबर दे देता हूँ कि चलो मैंने यहाँ पे मैच की जगह पे मैं यहाँ पे टू दे देता हूँ। पार्ट नहीं है, मैं ये बता रहा था कि आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं होगी, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हायर डेट पे है। ओके क्या हायर डेट पे? पे कुछ छूट गया लग रहा है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो मैं थ्री करना ना, अपडेट नहीं हुआ ना? हाँ सर नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको दो मिनट टाइम दिया सोचने के लिए कि डेट। हाँ हायर डेट सर, इसमें आपने क्या करा, इसमें हायर डेट नहीं लिखा सर आपने, ओनली डेट लिखा ना शायद। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना कि डेट कि यहाँ वी लुक अप है इसलिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। हाँ जी हाँ जी, आगे इन फ्यूचर में जहाँ वी लुक अप ना लगा हो, कोई और चीज लगा हो जो डेट और हायर डेट को एक ही समझता हो, जैसे लाइक कंटेन काउंटिव मान लीजिए ना, right. तो वहां पे कुछ क्या ट्रिगर करे जो डेट और हायर डेट सीजन में थी, आप बताइए। आपने तो कंडीशन मॉडिफाई कर रखा था ना
सबके कंटेंट्स कर सकते हैं ना अपन क्या? सर फॉर्मूले में अपन वो लगा सकते स्टार इक्वल टू स्टार डेट स्टार, नहीं इसमें नहीं कर सकते वो तो अलग सीट में होता है। फॉर्मूले में सर फॉर्मूले आपने लगाया ना एक बार फॉर्मूले में जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। हेलो हेलो क्या बोल रहे हैं सर? सर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए एक बार। देखिए इसके लिए आपको पहले पता करना होगा ऐसा फॉर्मूला जो कि डेट और हायर डेट, डेट और हायर डेट दोनों को एक समझता। तो दो तरीके हैं, आप अगर आपके पास फिक्स है कि डेट हो सकता है या हायर डेट हो सकता है तो आप बैलेंस रूल्स में यहां जो आपने किया ना सर इसमें आप और फॉर्मा लगा दें और यहां पे मैंने दे दिया कि भाई ये जो है ये इक्वल टू डेट भी हो सकता है, समझ गए? राइट सर राइट। और सर इसमें वो भी कर सकते हैं ना आप जब हायर डेट लगाए ना सर हाँ? तो अपन हायर को निकाल के डबल कोटेशन में स्टार लगा के भी कर सकते हैं ना सर। इसमें नहीं होता सर। इसमें नहीं होता क्या? अब चलिए अपनी अगली प्रॉब्लम पे। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल और यहाँ पे मोबाइल एक जगह और मोबाइल नंबर लिखता, अब तीनों हाईलाइट हो गया ना सर। मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ एक दोनों हाईलाइट हो, हमारा पहला वाला हाईलाइट जो है वो हाईलाइट ना होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ अकाउंट नंबर वन यहाँ लिखा और यहाँ वन लिखा और यहाँ वन लिखा, ऐसे तीन चार बार जगह पे लिख रहा है तो मेरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो है वो हाईलाइट रहे पर पहला हाईलाइट ना। अब इससे प्रॉब्लम क्या ना कि मुझे मान लीजिए यूनिक रखना है बाकी को फिल्टर से एक ही उठाना है तो फिल्टर वाइज कलर करेंगे तो तीनों फिल्टर हो जाएगा ना सर। हाँ जी सर करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चलो, तो हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि आपने कॉलन में आप किसी भी सेल को काउंट कर सकते, तो मैंने बोला कि एच कॉलन में एच टू को काउंट करके बताओ को कितना बार आ रखा है और इसने बता दिया कि तीन बार रखा है। अगर मैं काउंट इफ यहां भी लगाता हूं तो भी तीन दिखेगा, यहां भी लगाता हूं फिर भी तीन दिखेगा। तो मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला का लगाने का मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार मैंने पूरा का पूरा कॉलन को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया किसको, एक सेल को एस टू से एस टू और एस टू को काउंट किया। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है तो मैं पहले वाले एस टू को फ्रीज कर देता हूं। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या होगा, दिखा सर कि ये जो एच टू है तो यहां जहां पे फॉर्मूला लग रहा है यहां फॉर्मूला लग रहा है तो ये अपने से सिर्फ ऊपर वाले तक का ही काउंट इफ निकाल रहा है, नीचे से इसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए? अब इसी मेथड को मैं यहां पे लगाता हूं। अब एक चीज और यहां देखिए श्री शर्मा जी कि मैंने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैंने पूरा कॉलम या एरिया सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक सिलेक्ट किया, ऐसा क्यों किया श्री शर्मा जी? हेलो नहीं है क्या श्री शर्मा जी? है तो आई थिंक म्यूट है सर, म्यूट सर ठीक है आप बता दीजिए। बोलिए इसलिए क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूला को हमें नीचे ड्रैग करना है और हर सेल में अलग अलग होना चाहिए ना, तो जब इसको ड्रैग करेंगे तो H2 से H3 होना चाहिए, H1 H2 होना चाहिए इस तरह से। ओके इसलिए और फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो कलर है
वो कलर यहाँ पे डाल देते हैं एंड ओके, और यहां से इसको फॉर्मेट पैटर्न से चेंज करते हैं ताकि हमारी इसकी फॉर्मेटिंग सब पे अप्लीकेबल हो जाए। समझ गए? क्लियर सर? काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, सिर्फ इतने सिर्फ अगर दो सेल काउंट टिप का फॉर्मूला बहुत से लोग जानते हैं। काउंट टिप का काम है काउंट करना कि सिलेक्टेड एज में सिलेक्टेड पर्सन कितना बार आ रहा है। तो हमने थोड़ी सी मेथड चेंज कर दी ताकि जो है काउंट टिप का जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल यूज है उसको हटा के हमने थोड़ा सा उसको ट्रिकी यूज कर दिया। बस सिंपल सा। हाँ, इसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा कंडीशनल मूवमेंट की। कंडीशनल मूवमेंट की एक और क्लास हम देंगे आपको। मैं बता देता हूँ कि उस समय में किस तरह की चीज आपको पढ़ाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए वो भी चीज। एक ग्रांड प्रोजेक्ट प्लानर दिख रहा है ना सर, ये दिखाएंगे आप। चलिए दिखाते हैं कि एक काउंट से कंडीशनल मूवमेंटिंग से बना हुआ रिपोर्ट है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट प्लानर है। ये आपका मिल जाएगा, न्यू में जाएंगे ना तो मिल जाएगा आपका। ये टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट का टेम्पलेट है कि एक एक्टिविटी जिसका प्लान स्टार्ट 1 से था और प्लान ड्यूरेशन 5 था, लेकिन एक्शन में स्टार्ट हुआ 1 से ही लेकिन उसका ड्यूरेशन 4 ही रहा और अभी जो है 25% कंप्लीट कर चुका है। अब देखिए 1 से लेके 5 तक की आपको एक कलरिंग दिख रहा है और फिर इसमें से 1 से 4 हुआ, चार हुआ ना। देखिए प्लान ड्यूरेशन एक्चुअल स्टार्ट और 0% कंप्लीट, कितना 25% कंप्लीट हुआ। तो ये 25% हुआ। अगर मान लीजिए मैं इसको 50% कर देता हूं या 60% कर देता हूं, 70% 80% 90% 100%। समझ गए? सर ये स्टार्ट डेट सर क्या आवर्स है क्या सर? ये प्लान स्टार्ट आवर्स नहीं है, जैसे कि काम है सर कि 5 दिन में काम होना चाहिए। 5 दिनों का काम, मतलब 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 5 दिन चलेगा। इसे बता दिया कि हाँ 1 तारीख से स्टार्ट होगी, 5 दिन काम चलेगा, प्लान किया गया। बट वेंडर ने जब काम पकड़ा था बोला सर 4 दिन में हम कर देंगे, तो ठीक है चलिए एक्चुअल 4 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है कितना परसेंट काम हो चुका है? तो अभी 60% काम हो चुका है। और कौन सा डेट पे है? तो पहले डेट पे है। अब मान लीजिए मैं दिखाता हूं कि मैं दूसरे डेट पे हूं, मैं तीसरे दिन पे हूं, तो तीसरे दिन पे हमारा 60% काम हो चुका है, मतलब कि मेरा काम तीसरे दिन नहीं पहुंचा है, मतलब तीसरे दिन जो है ये हमारा 90% होना चाहिए था। समझे? और यहाँ पे कि किसी में हुआ ना, यहाँ पे देखिए इसको देखिए कि एक्चुअल स्टार्ट 4 से है लेकिन ड्यूरेशन 2 दिन का, लेकिन एक्चुअल बंदे ने बोला कि नहीं सर 2 दिन में नहीं होगा, ये तो 4 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो ये 8 दिन